नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान पर 1 करोड़ का जुर्माना या 5 साल की सजा अन्याय है। बड़ौदा उपचुनाव में साधा निशाना, कहा भाजपा को सहयोगी पार्टी ले डूबेगी। वहीं सरकार के नए प्रावधानों पर मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में जहां चुनाव है, जनता किसान विरोधी लोगों को पहचाने। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बना करके 1 करोड़ रुपए जुर्माना या 5 साल की सजा किसान के लिए अन्याय बताया। यह कानून NCR में लागू होगा और हरियाणा के 13 जिलों व पूरे प्रदेश का 57% एरिया NCR में आता है, जिसमें किसानों को अपनी फसल अवशेष, पराली, कपास के अवशेष जलाने पड़ते हैं। ऐसे में यदि किसान पर आग लगाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया जाएगा तो कैसे किसान इसका भुगतान करेगा, और भुगतान न होने पर 5 साल की सजा का प्रावधान भी अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का ही रास्ता है, जो एक निंदनीय है। अपने निवास स्थान पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए माजरा ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, जिसमें किसान का कोरोना काल में ब्याज के ऊपर ब्याज माफ नहीं किया गया, जबकि अन्य उद्योगों का ब्याज माफ कर दिया गया। यह पूर्ण रूप से किसान विरोधी निर्णय है। जब उद्योगपतियों के पूरे ऋण माफ हो सकते हैं, तो किसान के ट्रैक्टर ट्राली, कृषि उपकरणों के लिए किए गए लोन पर ब्याज माफ क्यों नहीं किया जा सकता। माजरा ने सरकार और एक और फैसले का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार जब कोई भी व्यक्ति अपनी मंडी बना सकता है, यह निजीकरण की ओर बढ़ता एक कदम है, जिसमें किसान, आढ़ती मजदूर, मुनीब व मंडी से जुड़े अन्य लोग बेरोजगार हो जाएंगे। निजी मंडी के मालिक किसानों से जबरन वसूली करेंगे, उनके शोषण का कारण भी बनेगा। कई पार्टियां स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने तथा 5100 रुपये पेंशन देने के वायदे पर सत्तासीन हो गई थी, लेकिन अब किसानों के खिलाफ 3 बड़े कृषि कानून किसान विरोधी बनाकर के पूरी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया गया है। माजरा ने कहा कि जिसमें मंडियां खत्म करने, निजी लोगों को अनियंत्रित स्टॉक बिना बताए कहीं पर भी करने का प्रावधान किया गया है, जो पूरी तरह से कृषि व किसान विरोधी है, जिसमें ब्लैकमेलिंग और मार्केटिंग पड़ेगी। किसान परेशान होगा तो खरीदने वालों को महंगे दामों पर फसल खरीदनी होगी, बिचौलिए मलाई खाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का बड़ा इंतजार था, लेकिन सरकार ने उसे लागू करने की बजाय पहले से मिल रहे MSP को भी खत्म करने की साजिश रची है। सरकारें MSP का पीछा छुड़वाना चाहती है और इसी प्रकार से मंडियों को खत्म कर दिया गया है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। NCR में आता है और ये पहले से ही किसानों के ऊपर कुठाराघात सरकार ने पहले से किया हुआ है। काले कानून पास किए कि इस देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बड़ी इंतजार थी कि किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। 3 इस प्रकार के कानून बनाए केंद्र सरकार ने, जिसकी वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना तो बहुत दूर की बात, बल्कि आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की साजिश रची गई है और सरकारें इससे पीछा छुटवाना चाहती हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स को, पूंजीपतियों को एक मौका दे दिया गया है कि वो असीमित भंडारण करें, उन पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। और इसी तरीके से उन कानूनों से लगता है कि जहां किसान की फसल इसी प्रकार से कौड़ियों के भाव से लूटी जाएगी कि आपके सामने ही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का नहीं मिला, धान लूट लिया गया, जीरी लूट ली गई, कपास लूट ली गई, मक्का लूट लिया गया, बाजरा लूट लिया गया, ये सब किसानों के साथ धोखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस प्रकार से बरसों से किसानों को सब्जबाग दिखाते रहे और उनके जले के ऊपर नमक छिड़कते रहे, ये कह करके कि किसान का एक एक दाना खरीदेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। हर किसान के तक लगातार मंडियों में पड़े रहे और उसके बावजूद के औने पौने दामों पर अपनी फसल को बेच के गए और उसकी भी अभी तक अदायगी नहीं हुई। अभी अभी जिस प्रकार से
ये बिल कानून का रूप लेकर के आए हैं उनसे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, मंडी खत्म हो जाएगी। इसमें साफ लगता है कि खेती और मजदूर भी खत्म हो जाएंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। हरियाणा प्रदेश में अभी शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं बेरोजगारी में, 33.6% की बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश में है और हम भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे हैं। आज हरियाणा प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पर है, पहले 3वें स्थान पर था, तीसरे स्थान पर था और वो लुढ़क करके 16वें स्थान पे चला गया। आत्महत्याओं में, बेबसी में की गई आत्महत्याओं में हरियाणा प्रदेश आज प्रथम स्थान पे है, 14.5% वार्षिक दर है, जबकि इस देश की 4.5% है। हम हरियाणा वासी अपने आप को संपन्न कहते हैं, वहां बेबसी में कितने लोग आत्महत्याएं करते हैं। इसी प्रकार देश की सरकार ने इन कानूनों से भी हट करके हरियाणा प्रदेश के हरियाणा कृषि उत्पादन विपणन संशोधन 2020 में ये बात साफ कर दी कि जिस प्रकार से कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट प्लेयर, कोई भी कंपनी जिस प्रकार से कोई भी कॉलोनी काट सकती है, हरियाणा प्रदेश में इस संशोधन में ये बात कही गई है कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यवसायी अपनी मार्केट काट सकता है, अपनी मंडी काट सकता है और वो लगता है कि अपने हिसाब से किसानों से कोई ना कोई उनसे अदायगी लेंगे, कोई ना कोई किसी प्रकार से उनसे वसूल करेंगे। इन सारे कानूनों के से भी ऊपर बढ़ करके अब एक और नया कानून थोप दिया कि अगर कोई भी पर्यावरण को दूषित करेगा, पराली जलाएगा या इसी प्रकार से कपास का अवशेष को जलाएगा या किसी प्रकार के और अवशेष को जलाएगा, उसको 5 साल की कैद होगी और 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा। और अभी आज और वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई कि जिस प्रकार से कोरोना काल में सबके EMI रोके गए थे और बहुत से, चाहे वो MSME था, चाहे कोई और था, चाहे किसी ने होम लोन लिया हुआ था, उन सब का ब्याज माफ किया गया, परंतु किसान के ट्रैक्टर, ट्राली और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे कोई किसी प्रकार का ब्याज माफ नहीं होगा। इससे साफ लगता है कि सरकार किसानों के खिलाफ निर्णय ले रही है, जिसकी वजह से आज किसान हताश, निराश है, दुखी है, पीड़ित है और ऐसे माहौल में वो आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर है। हम जल्दी ही एक कानून बनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक कमेटी बना दी थी जिसको निरस्त करने के लिए सरकार ने कहा कि हम जल्दी ही भारतवर्ष में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बनाने जा रहे हैं। जब एश्योरेंस सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया वो जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, ये कहा गया कि उसके 18 मेंबर होंगे और इन विशेष तौर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये कानून, क्योंकि NCR के लिए बनेगा और ये आयोग इनके लिए बनेगा, इन्हीं सूबों के लिए बनेगा और इन्हीं पे ये कानून लागू होगा कि जिन्होंने जले पे नमक छिड़का है, लोगों से तरह तरह के वादे किए थे, पुरानी पेंशन लागू करने की बात की थी, 5100 रुपये कहा था कि बुढ़ापा पेंशन कर देंगे और जिन्होंने ये किसान विरोधी कानून पास किए हैं जिससे मंडी खत्म हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और ऐसे मौके में जिन्होंने ये कानून बनाने का फैसला कर लिया कि कोई भी प्रदूषण फैलाएगा, जो कोई पराली फूकेगा उस पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा, 5 साल की कैद होगी, जिन्होंने ट्रैक्टर के लोन, ट्रालियों के लोन, हैरो के लोन के ऊपर ब्याज माफ नहीं किया, औरों का कर दिया गया, इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना भेदभाव किसानों के साथ किया गया, व्यापारी का व्यापार ठप कर दिया, जिन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, ऐसे लोगों को पहचान करके मतदान करें और हरियाणा प्रदेश में ऐसे माहौल में, जो विशेष तौर से आपने पूछा है कि बड़ौदा का चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूँ वहां से परिणाम उनको कुछ सबक सिखाएंगे। सारे सहयोगी पार्टी ही लुटिया डबो देगी, वो उनका मतदान नहीं करवाएंगे, 1 से लाख तक वो उनके गोभी खोदने में ही लगे हुए, परिणाम आपके सामने आ जाएगा।